सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ कोलकाता में आजाद हिंद ढाबा पे। यहाँ पे हमारा मीटअप था, बहुत तगड़ा मीटअप था, बहुत क्रेजी फैंस आए थे, बहुत मजा किया हमने। मतलब इतना मजा जीवन में मुझे पहली बार आया है, कभी नहीं आया, मजा आ गया। इतनी सारी सुपर बाइकें थी, इतना सारा क्रेज था, इतने सारे फैंस थे, इतने सारे फैन मोमेंट थे कि मजा ही आ गया। अब यहाँ खड़ी हमारी पुष्पा, इसको तो मैं चलाता ही रहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे सुबनील की 1000 RR है BMW, उसके साथ इसका थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या चीजें, और उसको चला के उसकी राइड लेंगे, मजा लेंगे और देखेंगे यार कि जो प्राइस डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, वो किन चीजों का है और उसको चला के कैसा फील होता है, इसको चला के कैसा फील होता है। तो अभी सुबनील वहां से आ रहा है क्योंकि क्राउड बहुत लग गया उधर, तो मैं भाग के आ गया जल्दी से। और उसके आने के बाद हम उसी से पूछेंगे क्योंकि BMW उसकी बाइक के स्पेक्स मुझे उतना अच्छे से नहीं पता होंगे क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी। मेन बेसिक जो होते हैं वो चीजें पता है, बट पर्सनली चलाने के बाद कैसा फील होता है ये सारी चीजें नहीं पता है। तो यहाँ पे इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो इसके बारे में फिर से बता दूंगा, बट पहले उसके आने के बाद उससे पूछते हैं उसके बारे में। तो गाइज अभी सुबनील की बाइक यहाँ पे आ चुकी है और ये इससे पहले टेनार ओन करते थे, तो सबसे पहले टेनार का एक्सपीरियंस बताओ भाई कि टेनार इससे पहले थी तो कैसी लगती थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो ना तो टेनार हम लोग का इंडियन रोड के लिए 1000 cc कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट बाइक वो है, पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, पावर में भी भाई कोई लैगिंग नहीं है, बहुत बढ़िया है। बट थोड़ा बेटर है, थोड़ा अपग्रेड हो जाता है ना, तो BMW ब्रांड है तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू आ जाता है, तो वो सब का चलते भाई थोड़ा चेंज कर लिया अभी। और तो ये कितने की पड़ी आपको? ये मुझे पड़ी भाई हम लोग का कोलकाता में 23.28। मतलब प्राइस डिफरेंस आप देख लो 18 से 24, ठीक है, ये प्राइस डिफरेंस आया। बाकी पावर इसमें भी 203 bhp, उधर भी 203 bhp, फर्क इतना है कि ये लाइट वेट है और वेट वो थोड़ी सी भारी है। सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे नजर आती है कि इसमें हीटेड ग्रिप्स आपको मिल जाती है। सीट हीटेड है? नहीं, ये हीटेड ग्रिप्स मेरे में नहीं मिलता है क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड मॉडल है ये। ये आपका वो मेनू जो है ना, इसको टॉगल करने के लिए होता है पूरा, तो इसमें हीटेड ग्रिप्स नहीं आती है। इसमें हीटेड ग्रिप्स नहीं आता है, उसके लिए आपको और प्रो में 2 lakh ज्यादा पे करना प्रो में है फिर। ओके, अब इसके मीटर में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी ये वाली बाइक तो मैंने राइड नहीं करी, इससे पहले वाला वेरिएंट इसका राइड करा है, तो इसमें कितने मोड हैं, क्या है ये बता सकते हो भाई? इसमें अभी 4 मोड है, ठीक है, रेन, रोड, डायनामिक एंड रेस, ठीक है। सबसे ब्रूटल किस मोड में? रेस मोड, रेस मोड, रेस मोड में पूरा, बाकी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। हां हां, वो आप लोग आराम से कर सकते हो, ट्रैक्शन वगैरह बंद कर लो जैसा मर्जी, ठीक है। अच्छा, फीचर वाइज इसमें और उसमें ऐसा क्या है जो इसमें है उसमें नहीं है? देखो, पहला बात तो ये है कि इसमें मेरा मॉडल के हिसाब से इसमें आपको राइडर मोड ज्यादा मिल रहे क्योंकि आपका कस्टमाइजेबल मोड है। इसमें ऐसी क्या चीज है जो उसमें नहीं है? नहीं है बोल के ऐसा कुछ नहीं, इसका ब्रेक्स थोड़ा बेटर है, यू नो, ये चीज है कि बेटरमेंट है थोड़ा, फीचर्स ऑलमोस्ट सब कुछ है इसमें, कुछ कुछ क्वालिटी में थोड़ा बेटर हो जाता है। तो इसके फीचर ज्यादा बेटर, मतलब BMW है तो थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू मैटर करता है आपका, वो जो ओवरऑल क्वालिटी, मतलब एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे आप आईफोन का 12 megapixel का कैमरा यूज करते हो और माइक्रोमैक्स का 108 का कर लेते हो तो भी वो क्वालिटी नहीं आ पाती, वो चीज मैटर करती है कि वही वो चीज कम भी देंगे तो वो चीज उससे बेटर परफॉर्म कर रही होगी। और लाइट वेट का फायदा तो होता ही, हालांकि जैसे पहले वाला वेरिएंट था थोड़ा ज्यादा बल्की लगता था। बोलना चाहूंगा कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये सारे राइडर्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट इसमें थोड़ा कंफर्टेबल है। ये आपका होता है एग्रेसिव एंड एक नॉर्मल पोस्चर का बीच का पोजीशन है, तो इसमें आपको कोई हाथ में पेन, बैक पेन नहीं होगा। ये तो मैंने भी फील किया है इसको चलाने के बाद, मतलब इससे पहले वाला वेरिएंट चलाने के बाद। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबके दिमाग में होती है इसको खरीदने से पहले, क्योंकि मैं भी इसकी बुकिंग करा रहा था बट ये टाइम टेकिंग थी बहुत डिलीवरी में, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? अगर आप पहली सर्विस कराते हो दूसरी सर्विस कराते हो, इज कॉस्टली इन केस ऑफ मेंटेनेंस, कितना जाता है ऑलमोस्ट लगभग? इसका अगर 8000 में हो जाता है तो ये आराम से आपसे 12-13 ले लेते हैं, तो ठीक है। मतलब सर्विस आपकी कॉस्टली जाने वाली है उसके कंपैरिजन में, पॉकेट फ्रेंडली हो तो सबसे बेस्ट बाइक आपको वो है, राइट, ठीक है। बाकी ब्रांड वैल्यू के साथ जाना है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर अपग्रेड करना है, टेनार आप चला ले, अभी थोड़ा पुराना हो गया टेनार, आपको लगेगा कि हाँ मैं चला ले, मेरा मन भर गया, तो आप अगर अपग्रेड करोगे तो 1000 RR इज अ गुड ऑप्शन। सही है, तो अभी इसको हम चलाएंगे और इसका थोड़ा सा मजा लेंगे, आराम से चलाओ, देखो कैसा लगता है, मुझे भी बोलना। सुबनील भाई इससे पहले ये रख चुके हैं तो इसके बारे में इन्हें बताने की जरूरत नहीं कि उसमें क्या क्या है, ऑलरेडी इनको पहले से पता होगा, बट इसको जानने की मुझे जरूरत है, थोड़ा सा इसका मजा लेंगे अभी। बाकी मैं कोलकाता में आया हूँ और सुबनील भाई ने ही मीटअप अरेंज कराया यहाँ, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी तो मैंने इन्हीं से कॉन्टेक्ट किया कि यहाँ पे क्या लोकेशन है, कैसे है, तो इन्होंने मुझे प्रॉपर बताया। हाँ, बहुत मजा आया यार, पहली बार XBHP के साथ आया था तभी इनसे मिल लिया था, बट टाइम नहीं था हमारे पास, बात हुआ था बट मिला नहीं था ना, टाइम नहीं था हमारे पास कि हाँ
यहाँ पे रुके, हमारी उसी दिन मीटअप के जस्ट बाद फ्लाइट थी तो मुझे वापस जाना पड़ा, रुकने का बहुत मन था लेकिन नहीं रुक पाए। तो अभी हम यहाँ दो तीन दिन रुकेंगे, अभी है तुम अभी दो तीन दिन रुकेंगे, साथ में रील्स भी शूट करेंगे, मजा आने वाला है। फिलहाल अब इसको राइड करते हैं। बाकी भाई का भी चैनल है सुबह नील दत्ता नाम से, और इंस्टाग्राम पे भाई ऑलरेडी मचा रहे हैं, मेरे से ज्यादा फॉलोअर है, ठीक है, तो मेरे से थोड़े ज्यादा फॉलोअर है, तो मैंने देखा ठीक है मुझे ही फॉलो करो यार जल्दी से, वो तो हो जाएगा भाई, भाई तो ऑलरेडी फेमस है ही, और कितना फेमस बनेगा। चलो फिर बाइक पे आते हैं सीधे। सो गाइस अभी मैं चलाने जा रहा हूँ BMW S1000 RR, नया वाला वेरियंट। इसको चलाना मेरा सपना था, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं चलाया यार, मतलब लखनऊ में अवेलेबल ही नहीं थी। यहाँ पे लगा है एकरा पोविच, जो कि इतना तगड़ा साउंड करता है ना कि मज़ा ही आ जाए। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेक्स हैं, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बस बाइक का फील लेंगे, बिकॉज टायर वायर सब वही मिलता है आपको 190 सेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, लीटर क्लास में सेम आती हैं। 203 BHP की बाइक है भाई ये। अब इसको बैठने के बाद सीट हाइट की बात करें तो टेनार से ज़्यादा ऊँची लगती है मुझे, बिकॉज टेनार में मेरी टांगें पहुँच जाती हैं। अब इसका मीटर ये देखो यहाँ पर है, इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। सो गाइस यहाँ से मेनू में घुसे स्पोर्ट मोड, और मोड से यहाँ से हम चेंज करेंगे रेन मोड, रोड मोड, डायनेमिक मोड, रेस मोड। रेस मोड में सबसे ज़्यादा पावर ये करती है तो हमने रेस मोड लगा दिया है। सो गाइस वैसे तो यहाँ बहुत सारी सुपर बाइकें हैं। वाह यार एकरा पोविच क्या साउंड कर रहा है, सुनो मतलब इतना तगड़ा साउंड कर रहा है। ओहो स्पोर्ट मोड, रेस मोड, चले हाँ चलो भाई। वाव मैन मजा ही आने वाला है आज BMW S1000 RR को चला के भाई। टेनार से ज्यादा लाइट वेट फील हो रही है, बस पावर टेस्ट करनी है कि क्या पावर है इसकी। ओहो क्या पिकअप है बॉस, तगड़ा एकदम। टेनार के साथ एक बैटल हो जाए छोटी सी, क्या कहते हो गाइस? मजा आ रहा है भाई इसको चलाने में। बस ये है कि जब टेनार में हम डीवी किलर निकालते हैं तो वो उठने लगती है, वैसे ही ये इस टाइम ऐसे ही उठ रही है बिना डीवी किलर, वैसे डीवी किलर इसमें लगा ही नहीं है, टेनार में अपनी लगा हुआ है। देख रहे हो टेनार वर्सेस 1000 RR, कौन सी ज्यादा सेक्सी है, कौन सी ज्यादा, समझ में नहीं आ रहा है यार अभी मेरे को डिफरेंस, मतलब वो डिफरेंस नहीं समझ में आया कि मैं ये नई वाली 1000 RR लूं। थोड़ा सा भगाओ, क्या बात है भाई क्या निकल रही है, ब्रेकिंग नो डाउट इसकी बेटर लग रही है मुझे उसके कंपैरिजन में, और मोड हटा दो भैया, रेस मोड, रेन मोड, रोड मोड, डायनेमिक मोड, रेस मोड, मेनू हटाओ, हाँ ये बात, अभी आया इसका सेक्सी सा मीटर। आज S1000 RR का भी मजा फाइनली हमने ले लिया है। इसका सीटिंग पोस्चर जो है वो टेनार से ज्यादा अपराइट है, मतलब उतना पेनफुल नहीं है, अगर आप ट्रैफिक में भी चलाने वाले हो तो आपके हाथ को इतना पेन नहीं पड़ेगा जितना उसमें पड़ता है। और हैंडलिंग भाई बहुत प्यारी हैंडलिंग है इसकी, इन सब बाइकों को जज नहीं किया जा सकता बिकॉज सारी की सारी बाइकें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उम्दा होती हैं। अपनी लखनऊ की सड़कें होती तो मैं रोला काट देता, जो बात है भाई लखनऊ की सड़कें नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा एक मिनट
अभी भगाने में। ये बाइक एग्जॉस्ट की वजह से बिल्कुल फ्री होके भाग रही है, जैसे वो डीबी क्लियर निकालने के बाद भाग रही होती है। इसमें मेजर डिफरेंस मुझे सिर्फ वेट का नजर आ रहा है कि मुझे टेनार पे थोड़ा सा वेट लगता है, बट ये लग रहा है कि बिल्कुल आर एस चला रहा हूँ, आर एस 200 उतना कम वेट है इसका। देख रहे हो कैसे भाग रही है रॉकेट की तरह भाई। अब इसको चलाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा वेटेड मशीन आ गई हाथ में, हैंडल पे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि बड़ी हैवी है, मतलब लग रहा है कि हाँ तो उससे ज़्यादा भारी है, भारी है नो डाउट, बट फील हो रहा है वो चीज़ मुझे। और वेट के साथ साथ पावर में भी हाँ फील हो रहा है कि उससे कम पावर है इसमें थोड़ी सी, मतलब वो तुरंत खींच रही थी ये थोड़ा सा भारी होके खींच रही है, तो ये मैटर है। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा कि हाँ 18 लाख और कहाँ 24 लाख भाई डिफरेंस है, इतने बड़े डिफरेंस में इतना सा डिफरेंस लेना मतलब एक दिमाग का फैसला है। बाकी आपकी मर्जी, BMW नो डाउट बहुत अच्छा ब्रांड है भाई इस सेगमेंट में। अरे ये बस वाला क्या करता है भाई, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खींचने में, वो जब मैं चला रहा था तो तुरंत खींच रही थी भाई, मज़ा आ रहा था उसमें। अब यहाँ पे भी एक रौला काटेंगे हम थोड़ा सा, मजा आ गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको भी मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो वीडियो को तुरंत लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों से। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है ना तो फॉलो कर लो भाई, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।